कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, आज गेम हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है और स्टीम कनेक्ट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मॉन्स्टर हंटर ऐसा गेम है, भले ही इसमें ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है पर तुम ऑफलाइन भी खेल सकते हो। तो शुरू करेंगे उसके साथ। ऑफलाइन खेलने से दिक्कत बस ये रहती है कि अगर तुम्हें कभी भी SOS फ्लेयर वगैरह हेल्प के लिए भेजना हो, या फिर अगर तुम्हें किसी हंट में हेल्प चाहिए, या फिर तुम किसी और प्लेयर को ज्वाइन करना चाहते हो हंट पे, तुम वो नहीं कर पाओगे। बट क्योंकि हम ये सीरीज़ सिंगल प्लेयर मोड पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इंटरनेट हो ना हो इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। Hunters the कंटिन्यूइंग द fifth, गेम इन come ऑफलाइन see मोड। me. We've got an urgent quest. तो कंटिन्यू करते हैं लास्ट टाइम जहाँ पर हमने छोड़ा था, और हमारे पास है एक अर्जेंट क्वेस्ट। तो हमें जाना पड़ेगा फील्ड टीम लीडर के पास, जैसा कि तुम टॉप राइट कॉर्नर पे देख सकते हो। हे, वेलकम बैक। वी ऑलमोस्ट फिनिश्ड सिक्योरिंग बेस। Only one thing left to do. That's right, your old buddy Anjanath. Before we attempt to capture Zora Magdaros, we need to hunt that Anjanath down. Can't have it interfering. It's one tough adversary, so stay on your toes. Oops. Oh, before I forget, the chief said he'd start putting up more protein into your pre-hunt meals. Whatever that means. Said it should help with your hunts. Either way, drop by the canteen later and find out for yourself. Anyway, a powerful monster like Anjanath won't be easy to take down. Remember everything you've learned. Hold nothing back. This objective is urgent, meaning it should be your top priority. Use everything at your disposal and hit that brute with all you got. Okay, time to wrap up defending the base. तो यार देख सकते हो, अंजनाथ का क्वेस्ट जो है हमको असाइन हो चुका है। और ऊपर लिख के आता है स्पीक टू द हैंडलर। कहने के लिए तो हैंडलर से बात करना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि क्वेस्ट को हम लोग यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। आई गेस नहीं क्योंकि स्टोरी मोड पे खेल रहे हैं और स्टोरी का प्रोग्रेस होना ज़रूरी है। आई गेस हर एक NPC से भी बात करना ज़रूरी होगा। तो चलते हैं लिफ्ट लेकर के कैंटीन की तरफ। हैंडलर की थाली हैंडलर से ज़्यादा बड़ी है। तो यार मैं तुमको बता दूँ, हैंडलर जो है कैनोनिकली मॉन्स्टर हंटर में हमसे ज़्यादा खाना खाती है। Alright, partner, the last step to securing Astera's defense is to take out the troublemaker Anjanath. While it is one nasty monster, I'm sure you'll be okay. I mean, it looks like a giant ball of cotton candy with sharp, sharp teeth. Easy for you to stay. The encroaching Anjanath. ठीक है यार, तो इस क्वेस्ट को हम लोग कर लेते हैं एक्सेप्ट। और क्योंकि लास्ट टाइम हमने लॉन्ग सॉर्ड यूज़ किया था, इस बार कुछ और ट्राई करते हैं। तो मैं चेंज करना चाहूँगा ग्रेट सॉर्ड पे। मैप के लोड होने का वेट करेंगे और उसी समय पे अच्छा कैंटीन का ये कटसीन इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे कि फील्ड टीम लीडर ने कहा, शेफ ने कुछ और नए इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं। देखते हैं इस बार मील में हमें क्या क्या नए पर्क्स मिलते हैं। तो यार ये देख सकते हो, शेफ चॉइस प्लेटर में इस बार हमें हेल्थ 30% इंक्रीज मिल रहा है। तो वही रहता है जब भी तुम कोई नई चीज़ें कलेक्ट करते हो या फिर कुछ भी नया शेफ का क्वेस्ट रहता है, तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं अपने मील से। जैसे कि इस बार हमें मिला 30% हेल्थ इंक्रीज, जो कि लास्ट टाइम 10% था।
सॉरी 10 यूनिट्स नॉट परसेंट. तो ठीक है यार, सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारे सप्लाई बॉक्स में कुछ है कि नहीं. फर्स्ट एड मेड किट, इजी रेशन, ठीक है. होपफुली अगर मैप में कुछ थंडर बग्स वगैरह मिल पाए तो हम नए ट्रैप टूल्स क्राफ्ट कर सकते हैं. और ये हमारे पहले फुटप्रिंट्स, जो कि डेफिनेटली अंजनाथ के है. क्वेश्चन मार्क लगाने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ तो लग रही है क्योंकि इस फुटप्रिंट में टोटल 4 अंगुलियां है, जबकि अंजनाथ जैसे टीरेक्स के सिर्फ 3 अंगुलियां होती है. क्या पता कुछ नया मॉन्स्टर डिस्कवर करने को हमें मिले. तो यहाँ से हार्वेस्ट कर लेते हैं माइंस, जो हमारे केस में है आयरन ओर. दूर हटो, दूर हटो. तो जैग्रास से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यूजुअली ये जानवर कायर होते हैं, तुम 2-3 को मारो, बाकी के अपने आप भाग जाएंगे. यहाँ पर हम फार्म करेंगे थोड़ा और माइंस. और यार जैसे तुम देख सकते हो, एंजना जो है ग्रेट जग्रोसी की बजा रहा है. पापी पेट का सवाल है. और हंटर के दिमाग में भी वही चल रहा है कटसीन में, जो यूजुअली प्लेयर के दिमाग में चलेगा. वो बहुत ही फाउल अटैक था, कोई दिक्कत नहीं, लड़ लेंगे. कटसिन के खिलाफ भी हमें एक और बार ये चांस मिला है इसको इसके नीचे गिराने को, ताकि हम डैमेज दे सके. गुड शॉट, करेंगे इसके हेड को टेंडराइज. हेड हो चुका है टेंडराइज, अब मूव करते पैरों की तरफ, क्योंकि मोस्टली अटैक वगैरह हम लोग पैरों पर ही करने वाले हैं. और यार अब इसको आ चुका है गुस्सा, बुरी टाइमिंग. कोई दिक्कत नहीं, अच्छा स्टन, तो लेंगे अभी बड़ा डैमेज. मिस्ड. जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं शोल्डर टैकल से डायरेक्शन इंप्रूव कर रहा हूं. ओके, मैंने सोचा एकदम परफेक्ट टाइम में मैं हेडशॉट दे सकता हूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. कोई दिक्कत नहीं, बहुत बुरा शोल्डर टैकल था वो.
तो यार गेम का पहला गेम ओवर। तो किसी भी फेंट्स में, किसी भी क्वेस्ट में तुम्हें तीन ट्राइज मिलते हैं और उन तीन ट्राइज के अंदर ही तुम्हें मॉन्स्टर को हराना होता है। तो ठीक है, इस बार थोड़ा सीरियसली खेलेंगे। बुरा हाल, अच्छा शॉट, कभी कभी गेम कंप्लीट करने के बाद ऐसा होता है तुम पुराने एनिमीज को सीरियसली नहीं लेते जिनको यूजुअली तुम पहले ही ख़त्म कर चुके होते हो, लेकिन मॉन्स्टर हंटर ये चीज़ जल्दी याद दिला देता है कि पुराने एनिमीज भी पुराने एनिमीज का ये क्या है। पुराने एनिमीज की जो डिफ़िकल्टी है वो डिपेंड करते हैं तुम्हारे आर्मर पर भी। तो यार देख सकते हो जैसे ये अभी एग्रो नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा इसको, गलत जगह, मैं कोशिश करूंगा इसको एक वॉल बैंक देने की। एक और ये पड़ा वॉल बैंक, नाइस। अभी हो चुका है एग्रो, डॉज डॉज और हिट। गलत टाइमिंग, हाँ यार मुझे हिट बॉक्स नहीं दिखा, बट एनी हाउ फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार एक अलग वेपन के साथ। कोई दिक्कत नहीं, रास्ता फिर से हम अंजनाद तक ढूंढ सकते हैं। इस बार मैंने उठा लिया है लॉन्ग शॉट, और लॉन्ग शॉट मैंने इसलिए उठाया जैसे कि तुमने लास्ट टाइम देखा होगा बहुत ही वाहियात हिटबॉक्स की वजह से हम लोग फेंट मार गए। तो इस बार क्योंकि लॉन्ग शॉट के जितने भी मूव सेट है वो काउंटर्स पर बेस्ड है, होपफुली हम इस बार ये फाइट जीत सकते हैं। ओके, डायनासोर हो चुका है एग्रो, उसको हील कर लेते हैं, और ये आ चुका है रैथियन, या फिर यू कहो तो रैथलोस जो है मेल रैथियन। यार अब इनकी फाइट में हम उलझ जाएंगे जो बहुत ही गलत होएगा, और अभी ये करेंगे टर्फ वॉर। तो हम इस टर्फ वॉर का फायदा उठाएंगे, कोशिश करेंगे अपना पहला स्पिरिट गेज फुल करने की,
और ये फिर से लग गई। तो यार रैथलोस से अभी पंगा लेना बेवकूफी होगी। शायद हम इसके एलिमेंट को बंद कर चुके हैं। एक मॉन्स्टर से लड़ाई करने में मुश्किलें हो रही थी, तो दो मॉन्स्टर तो भूल ही जाओ। यहां पर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है यहां से भाग लेना। और यार रैथलोस हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हर बार का है फोरसाइट। करते हैं अब इसको टेंडराइज। एक और शॉट जल्दी, बढ़िया। एक और फोरसाइट, सेकंड स्पिरिट गेज कंप्लीट। और अंजनाद आ चुका है हॉल्ट पे। एक और टेंडराइज। स्पिरिट गेज हो चुका है फुल और करेंगे अभी हेल्म ब्रेकर। लेट्स गो। डैमेज देख सकते हो, मॉन्स्टर को ही स्टन कर दिया है। तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो, जो टेंडराइज पार्ट्स पे मारने पे ना हमें डैमेज नंबर्स ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि टेंडराइज पार्ट्स क्या होते हैं ना, वो वीक पार्ट्स होते हैं। और वीक पार्ट्स के हर एक हिट पे एफिनिटी वगैरह ज्यादा हो जाता है। ओके, असर नहीं हुआ इस बार। तो यार कर लेते हैं पहले स्वॉर्ड को शार्पन। अरे नहीं 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 नहीं, खत्म। तो यार दो मॉन्स्टर से एक साथ लड़ना बेवकूफी है, अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा मैं। और खासकर जबकि दूसरा मॉन्स्टर हो रैथलोस, वेट करूंगा इसके निकलने का। देख सकते हो मिनी मैप में जो आउटलाइन है वो अभी वाइट हो चुका है, इसका मतलब मॉन्स्टर का एग्रो हो चुका है खत्म। और मैं अभी चलूंगा अंजनाद के पास। तो यार अपना टीरेक्स यहीं खड़ा है, देखते हैं इसमें कितना दम बचा है। दिखने में तो थक चुका है, तो चलो इसको देते हैं एक वॉल बैंक। और मेरा स्टैमिना यहां पर खत्म हो चुका है। यही होता है अगर तुम केयरफुल नहीं होते हो। कर दिया हमने वॉल बैंक और अंजनाद खत्म। तो यार पहला हंट इतना स्मूथ गया नहीं, दो बार हम लोग फेंट किए। तो इस हंट को हम लोग और दो बार करेंगे दो अलग अलग तरह के वेपन से। और मैं सोच रहा हूँ इसको यूज करने के लिए या तो चार्ज ब्लेड या फिर इंसेक्ट ग्लेव। इन छिपकलियों को बाहर हटाते हैं। तो यार दोस्तों जो दूसरा उड़ने वाला मॉन्स्टर था उस मॉन्स्टर का नाम है रैथलोस। जैसे कि पिछले एपिसोड के या फिर पिछले के पिछले एपिसोड में तुमने देखा होगा एक मॉन्स्टर जो ग्रीन कलर का था
उसी वेराइटी का, वो था रैथियन, बेसिकली रैथलॉस का फीमेल वर्जन। तो यार अगर मैं तुम्हें रिवॉर्ड सिस्टम का बताऊं यहाँ पे, तो जितना जो रिवॉर्ड मनी है वो जो पहले, मतलब रिवॉर्ड कैसे होता है ना कि जितनी बार तुम फेंट करते हो या फिर जितनी बार तुम्हारा गेम ओवर होता है उतने बार से वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, डिवाइडेड बाय जितना पार्टी साइज है। मतलब अगर टीम के साथ खेल रहे हो और चार लोग हैं तो जो अमाउंट है वो उन्हीं के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यार आ रहा है कट सीन और पूरी सेना तैयार कर रखी है इन लोगों ने ज़ोरा मैकडोरोस से लड़ने के लिए। Preparations are complete, and I have all of you to thank for working double time to make it happen. I'm especially impressed with the fifth for hunting the Anjanath despite being new here. That's one less misery standing between us and capturing Zora Magdaros. When will Zora reach the Great Ravine? Precisely at daybreak. Good. Let's run through the operation one last time then. Our hunters will rendezvous on site. Once the beast appears, the operation will commence. We've built two barriers in the target's path. Your objective is to stop it at the first barrier, initially wearing it down with cannon and ballista fire, then restrain it with binders. तो कहने का मतलब है यार कि ज़ोरा मैकडोरोस का जो फाइट है वो बहुत बड़ा एनवायरनमेंट पजल होने वाला है। जैसा तो मैप में देख सकते हो कि मोस्टली ज़ोरा का जो फाइट है वो हम डायरेक्टली ज़ोरा मैकडोरोस से लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम लोग कैनन्स वगैरह, बलिस्टास वगैरह, यानी कि कह सकते हो लॉन्ग रेंज के एरो लॉन्चर्स और काफ़ी सारे ऐसे ही इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हम लोग ज़ोरा से लड़ेंगे। बेसिकली एक एनवायरमेंटल डिफेंस सिस्टम है ये। Initiate the mounting phase of the operation. During this phase, we'll attempt to weaken it further, so that we'll have a better chance of restraining it at the second barrier. Make sure you hammer it as much as possible with cannons and ballista. They're there for a reason. Affirmative, sir. Technicians, make sure you do a final check on the equipment before we begin. Yes, sir. Quartermasters, conduct an inventory on our supplies. Researchers, proceed to the Great Ravine with your escort as soon as you're ready. We can't bring our quarry back to base, so take what you need and be prepared to conduct your research on site. Don't worry, Commander. Everything will be in order. Keep your ears open during the operation. I'll be giving orders as the situation unfolds. May the Sapphire Star light your way. Dismissed! तो यार ज़ोरा मैकडोरोस का मोमेंट आ चुका है, लेकिन इससे पहले हमें एंजनाथ से रिवेंज लेना है। वन हेल ऑफ अ साइनस इन्फेक्शन। तो चलिए ये क्वेस्ट को फिर से शुरू करते हैं और इस बार मैं यूज करना चाहूंगा चार्ज ब्लेड। तो यार देखो इस बार हमें मिला है हेल्थ 40 यूनिट्स, जो कि पहले से काफ़ी बेहतरीन है, और कोशिश करेंगे हम लोग अभी एंजनाथ को लोकेट करने के लिए। मैं शुरुआत करूंगा उसी एरिया से जहां पर वो हमें पहले मिला था। तो यार पहला फुटप्रिंट मिला है हमको और दूसरा भी फुटप्रिंट मिल चुका है, तो देखेंगे और कहाँ कहाँ तक इसके फुटप्रिंट्स हमें लेकर जाते हैं। तो यार ये जो स्केल्स है ये मुझे नहीं लगता एंजनाथ के स्केल्स है,
ये मोस्ट प्रॉबली हो सकते हैं रैथलॉस के स्किल्स या फिर टोबी कडाची के। ये टोबी कडाची जो है वो एग्रो नहीं होते तुम पर, वो तुम्हें कुछ करेगा नहीं। तो इसी मोमेंट पे मैं तुम्हें थोड़े इसके डिज़ाइन के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि तुम देख सकते हो इसका जो हेड है वो एक रैटल स्नेक जैसा है, और बॉडी जो है वो बेसिकली लगा लो एक डॉग की तरह है या फिर किसी भी केनाइन की तरह है। और इसका टेल जो है वो है इंस्पायर्ड है फ्लैट टेल्ड एनिमल से, जैसे तुम्हारे बीवर हो गए, प्लैटिपस हो गए। और टोबी कडाची के पूरी बॉडी में देख सकते हो बहुत तरह के हेयर्स वगैरह है या फिर बहुत तरह के फर वगैरह है। और अलग अलग फर के जो, मतलब कैसे बताऊँ, अलग अलग फर के जो बेसिकली फंक्शन होते हैं ना, टोबी कडाची को हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। वो कैसे? क्योंकि टोबी कडाची जैसे जैसे फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमता रहता है या फिर प्लांट्स वगैरह से खुद की शरीर को घिसता वगैरह है, तो क्या होता है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से उसके फर वगैरह चार्ज हो जाते हैं। तो यार ये थी टोबी कडाची की इकोलॉजी। बहुत ही फैंटास्टिकल है, लेकिन जैसा कि तुम्हें समझ भी आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा रियल लाइफ से भी इंस्पायर्ड है। जैसा कि तुम देख रहे हो ये धीरे धीरे फॉरेस्ट में जा रहा है, और जैसे जैसे इसके जो फर वगैरह है वो इकोसिस्टम से घिसते हैं, वैसे वैसे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा करता रहता है। तो यार इनफ ऑफ टोबी कडाची, देखते हैं एंजनाथम को मिलता है कि नहीं। तो शुरुआत करते हैं उसी एरिया से जहां पर हमारा कैंप साइट था। जैसा कि तुम सबको याद होगा यहाँ पर था पूके पूके का नेस्ट, और यहीं पर यूजुअली एंजनाथ अटैक्स वगैरह करने आता था। होपफुली यहीं पर उसके दर्शन हो जाए। देखते हैं दूसरे एरियाज में। शायद हमें कुछ नए क्लूज मिले हैं। और ये था एंजनाथ म्यूकस, और ये कर लिया है स्काउट फ्लाई ने अपना क्लू कलेक्ट। यार इन लोगों से मुझे नफरत है। और यार देख सकते हो मिनी मैप में हमें दिख रहा है एंजनाथ, तो अभी चलेंगे हम उसके पास। काफी नई जगह है ये, इसके ऊपर क्या है? ओके। तो यार एक और चीज़ है मॉन्स्टर हंटर में, हर मैप्स में जैसे कि मैंने बताया था शायद पहले वीडियो पे, कि अलग अलग कैंप साइट्स होते हैं। कुछ कैंप साइट तुम्हें क्वेस्ट में ही मिल जाएंगे, और कुछ कैंप साइट तुम्हें खुद ही डिस्कवर करना पड़ेगा, जैसे ये हमने अभी अभी किया। तो यार ये है गेम का डिस्कवरी एलिमेंट, कि तुम जैसे जैसे नई चीज़ें डिस्कवर करते रहोगे वैसे वैसे तुम्हें नए रिवॉर्ड्स वगैरह अनलॉक होते रहेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी फुटप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट कर सकूँ, ताकि जो रिसर्च लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और सिर्फ एक ही फुटप्रिंट इकट्ठा करने से अगली बार से मुझे एंजनाथ की लोकेशन पता चल जाए, या फिर किसी भी मॉन्स्टर की लोकेशन हो वो पता चल जाए। तो पकड़ लिया स्काउट फ्लाइज ने सेंट, और मिनी मैप में भी दिखा रहे कि एंजनाथ अभी बहुत करीब है।
गेम का डिस्कवरी एलिमेंट उतना ही मज़ेदार है जितना इसका हंटिंग एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कवरी सिर्फ तुम नाम के लिए नहीं कर रहे हो। ओके फिर से अब और नहीं, बस दहाड़ने के दिन खत्म। करते हैं इसको टेंडराइज। ओके गलत मूव, चार्ज को कर लेते हैं स्टोर। करते हैं डॉज। शील्ड को कर लिया हमने चार्ज। और करेंगे अभी डिस्चार्ज। बढ़िया डैमेज था वो। दूसरे पैर को भी कर लेते हैं हम टेंडराइज। ओके अब इसको सही में गुस्सा आ चुका है। तो यार मॉन्स्टर्स के दो स्टेट होते हैं, एक तो एग्रोड और एक नॉन एग्रोड। तो एग्रोड स्टेट में क्या होता है ना, मॉन्स्टर ज्यादा डैमेज करते हैं और ज्यादा डैमेज लेते भी हैं। तो मैं आ चुका हूं अभी सैवेज एक्स मोड पे या फिर स्पिनिंग एक्स मोड पे, जो भी तुम कहना चाहो, और इससे मैं इसको दूंगा बड़ा डैमेज। गुड शॉट। अच्छा वो मैंने पहले ही शील्ड ले आई थी। तो यार शील्ड से क्या है ना, तुम मॉन्स्टर के जो दहाड़ने का जो एनिमेशन है ना, या फिर दहाड़ने का जो स्टन मोमेंट है ना, उसको भी ब्लॉक कर सकते हो। तो यार इसको देखो, इतने छोटे से पाथवे से होकर के भाग रहा है। तो जब ही मॉन्स्टर्स वगैरह लोकेशन चेंज करते हैं ना, वो यूजुअली उनका एग्रो खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर शायद ऐसा नहीं हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा इसको इस मेढक के पास लोर इन करने में और भाग जाऊंगा यहां से और इसको कर दूंगा स्टन। और यहां पर मैं इसको दूंगा एलिमेंटल डिस्चार्ज। कर दूंगा अपने ब्लेड को चार्ज। बढ़िया। और सैवेज एक्स के इसको दूंगा कंटिन्यूअस डैमेज। बढ़िया डॉज। एक और मेढक आ चुका है। तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो टॉप साइड में अपने जो, अरे यार ब्लॉक करना था, सही टाइम पे हमने डॉज रोल नहीं किया, आई फ्रेम्स नहीं आ पाए। कर लेते खुद को हील और डायनासोर लगाए छटपटा ने। तो समझ ही गए होंगे अपने को आगे करना क्या है। तो कुछ करने से पहले मैं उठा लेता हूं ये फल शहद। ओ शायद ये अभी भी एग्रोड है और इसलिए मैं इसको डैमेज नहीं दे पा रहा, या फिर कह सकते हो वॉल बैंग नहीं कर पा रहा। तो यार चलते हैं इसी के नेस्ट में।
कभी भी तुम्हारे शरीर पे आग लगी हो ना, तो तुम 3 बार रोल करके आग को बुझा सकते हो। और यहाँ जनाद गया नीचे, मौका लेते हैं ये अपने शील्ड को चार्ज करने के लिए। और शील्ड हो चुकी है चार्ज, और मैं करूंगा अभी यहाँ जनाद का पीछा। अरे जैसा कि तुम देख सकते हो, इस बार भी मैं ट्रैप टूल्स लाना भूल गया, तो फिर से हमें इसके जीवन का सफाया करना पड़ेगा। कर लिया हमने ब्लॉक। बढ़िया डोज रोल था। नाइस डॉज, गुड शॉट। और ये हो चुका है एग्रो। बहुत ही बुरी टाइमिंग थी दोस्तों। करता हूं अपना सैवेज एक्स चालू। और अब मैं इसको दूंगा डैमेज। शायद अभी हमारा हाल बुरा है, और कर लेते खुद को हील। नहीं 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 नहीं, और अंजनाथ हो चुका है खत्म। लास्ट मोमेंट्स काफी इंटेंस थे, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो, चार्ज ब्लेड बहुत ही वर्सेटाइल वेपन है यार। ब्लॉक्स, अटैक्स, वेपन वेरिएशन, सब कुछ अवेलेबल है। तो यार ये था अंजनाथ का एंड। एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि इसके पार्ट से अगर कुछ नया वेपन वगैरह क्राफ्ट हो सकता है कि नहीं। और जैसे ही अगर कुछ नए वेपन्स के अपग्रेड या फिर कुछ भी नए आर्मर अपग्रेड्स वगैरह हमें मिल गए, तो हम इसके बाद चलेंगे ज़ोरा मैकडोरस के हंट पे। बेसिकली एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल पजल है वो, तो उसमें एड्रेनलिन रश इतना होगा नहीं जितने नॉर्मल हंट्स में आते हैं। बट हाँ, स्टोरी प्रोग्रेस करने के लिए वैसे हंट्स भी नेसेसरी है। गेम की एक और चीज़ है, तुम अपने पैलिको के लिए भी या फिर अपने बांकड़ बिल्ले के लिए भी वेपन्स वगैरह या फिर आर्मर वगैरह अपग्रेड कर सकते हो, जो मैं अभी तुम्हें करके दिखाऊंगा। यार सबसे पहले चलते हैं स्मिथी के पास वर्कशॉप, और देखते हैं हमें अपने वेपन्स के लिए अपग्रेड मिला कि नहीं, क्योंकि अंजनाथ जो है वो एक स्टोरी का एक कह सकते हैं बहुत ही चेक पॉइंट वाला मॉन्स्टर था, तो हो सकता है इसके बाद हमें वेपन्स के लिए अपग्रेड मिल जाए। मैंने क्या अपग्रेड इक्विपमेंट और लेट्स से ओके, अपग्रेड अवेलेबल है, और इसके लिए चाहिए अंजनाथ स्केल। तो यही आइटम लास्ट टाइम हमारे पास मिसिंग था, तो अब हमें मिल चुका है। तो कर लेते हैं हर वेपन को एक एक बार अपग्रेड। इक्विप नाउ, नो। ग्रेट स्वॉर्ड को भी अपग्रेड, नाइस। और चार्ज ब्लेड, यार ये तो चाहिए ही चाहिए। और इनसेट ग्लिव, और लैंस इतना मैं खेलता हूं नहीं। करते हैं इसको अपग्रेड, डिफेंडर हॉर्न जो कि है अपना हंटिंग हॉर्न। और करते हैं अपग्रेड स्विच एक्स को, देखते हैं और कुछ बचता है क्या। डुअल ब्लेड्स है, लेकिन डुअल ब्लेड्स हम लोग बाद में भी अपग्रेड कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं अगर अपने पास नए आर्मर वगैरह क्राफ्ट करने को हो तो। एंड यस, देख सकते हो यार
आर्मर के कलर वाइट से चेंज हो चुके हैं ग्रीन पे, इसका मतलब ये है नेक्स्ट लेवल के आर्मर, जो कि हमारे करंट जो क्या कहते हैं करंट चेक पॉइंट से नेक्स्ट चेक पॉइंट तक का आर्मर है। तो देखते हैं एंजनाथ के इसमें हमें क्या क्या मिलते हैं। आर्टिलरी, फायर रेजिस्टेंस, स्पेशल एमो बूस्ट, मैराथन रनर और फायर अटैक। इतना कुछ है नहीं, चाहो तो इसको बाद में चेकआउट करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी मुझे इन आर्मर की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी को लेकर के चलते हैं और चेंज करते हैं अपने वेपन को, क्योंकि हमने चार्ज ब्लेड यूज़ कर लिया है। चेंज इक्विपमेंट, और इस बार मैं यूज़ करना चाहूँगा हंटिंग हॉर्न। तो चलते हैं हैंडलर के पास और ज़ोरा मैकडोरोस के इस फाइट पे स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले म्यास्कुलर शेफ से बात कर लेते हैं। You interested in bulking up the canteen with more ingredients? Now that's what I'm talking about. All you have to do is sign up for and complete the quest, the pain from the gates, an exterminator of the waste. Take care of those and we'll get that menu buffer, then Rajang's biceps. Make it safe so my guys can go out and get the goods. Don't let me down. Slay 7 Gajaus or Slay 14 Vespoids. आसान सा मिशन है जो हम बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं हैंडलर से। शायद मैंने काफ़ी जल्दी क्या कहते हैं डायलॉग्स वगैरह स्किप कर रहा हूँ, बट यार ये वही रिपीटेटिव डायलॉग्स है जहाँ पर हैंडलर अपने बारे में कुछ बताती है। तो बेसिकली क्योंकि मैं स्टोरी कंप्लीट कर चुका, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हैंडलर इस कटसीन में या फिर इस डायलॉग के उसमें क्या बताती है ना कि वो न्यू वर्ल्ड में क्यों आई, मतलब कि न्यू वर्ल्ड जो कॉन्टिनेंट है जहाँ पर हम अभी मौजूद है वहाँ पर क्यों आई। बेसिकली क्या होता है ना, इसके जो ग्रैंडपा है वो भी एक रिसर्च कमीशन के बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं। रिसर्चर का मतलब तुम समझ सकते हो क्या है, और उन्हीं के फुटस्टेप्स पे ये चल रही है। तो ये भी काफ़ी मॉन्स्टर्स वगैरह और काफ़ी हर्ब्स वगैरह या फिर कह सकते हो काफ़ी प्लांट्स वगैरह पे रिसर्च करती है। तो यार ये था बेसिकली उस डायलॉग का समरी, वरना बाकी के वही सब है। ज़ोरा मैकडोरोस का एक्साइटमेंट और उसके हंट के लिए डायलॉग्स वगैरह, बट जो भी है डायलॉग में कुछ खास था नहीं, उसको स्किप कर सकते। Gonna work. Chief, Commander. So? We'll get it ready by morning, I promise. I'll hold you to it. When the time comes, you know what to do. The operation will commence at daybreak. Sounds like we got our work cut out for us, eh, old man? By next moonrise, Zora will be in chains. वो तो पता चलेगा। तो यार हमारे हंटर स्क्वाड ने प्रिपेयर कर रखा है सारे बलिस्टास, कैनन, एमओ वगैरह, ताकि ज़ोरा मैकडोरोस को कैप्चर कर सके। स्टोरी का स्पॉइलर मैं दूंगा नहीं, देखते जाओ क्या होता है। तो ये हमारे हंटर और वो पहला बंदा जो हमें एकदम स्टोरी के स्टार्टिंग के कटसीन पे मिला था। सबके स्काउट फ्लाई सिर्फ एक ही चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और ये है ज़ोरा मैकडोरोस। गेट टू योर पोस्ट नाउ।
काफी हलचल का माहौल बन चुका है, तो चलो हम भी पैर दौड़ाते हैं। कोई खाली कैनन ढूंढना है इस लेवल पे। और जैसा कि तुम देख सकते हो, लोग कैनन्स वगैरह को रीलोड कर रहे हैं, तो वो लोग वो रीलोड करते हैं, तब तक हम अपना खुद का कैनन रीलोड करेंगे। हमारा बिल्ला भी कैनन को रीलोड करने में हमारी हेल्प कर रहा है। कैनन की रीलोड लिमिट होती है 5, और ये कर दिया हमने फायर। हर एक हिट में हमें मिला 150 डैमेज, नाइस। कैनन के साइड में आकर अगर तुम हैवी अटैक का बटन दबाते हो तो वो कैनन को घुमाने लगेगा। बिल्ले ने कर लिया है रीलोड, करेंगे अभी हम शूट। तुम चाहो तो कैनन को छोड़ करके बॉलिस्टा एमो ले करके तुम इस पर शूट कर सकते हो। म्यूजिक तो ऐसे बज रहा है जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। और यार ये है इस क्वेस्ट का सबसे अनोइंग चीज, कभी भी किसी भी तरह का ऐसे फ्लाइंग मॉन्स्टर आके तुमको डिस्टर्ब करने लगेगा। और जैसे ही पैलिको ने कैनन को रीलोड कर दिया है, वो ऐसे भूपू बजाने लग जाता है। चलो ये हो गया खत्म। शॉट्स मिस्ड, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। हमारा बिल्ला कहाँ गया? बिल्ला दिख नहीं रहा। खैर बिल्ला आ गया है, बिल्ला रह चुका था पीछे। तो कैनन्स यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, इसका ये मतलब नहीं हम रुक जाएं। जोरा मैक्ट्रोस काफी करीब आ चुका है यार, करेंगे इस बार बलिस्टा एमोस का यूज। कुछ फायदा हो नहीं रहा इसको रोकने में। हेडशॉट पे एक्स्ट्रा डैमेज है? नहीं, इनफैक्ट बॉडी शॉट पे ही अच्छा खासा डैमेज है। यार सोरा मैक्ट्रोस काफी ज्यादा करीब आ चुका है। इसके दिमाग में अभी यही चल रहा होगा कि ये बंदे मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे हैं। यार मॉन्स्टर की डिटेल्स देखो यार, उसका एक एक स्केल, उसका ओके कुछ और कैनन्स नहीं। ओके कैनन्स आ चुके हैं रीलोड करने के लिए, और थोड़ा घुमा देंगे कैनन्स को इस तरफ। फायर, नाइस। ओके नहीं, क्लोज इनफ, नाइस। पैनिक का माहौल बन चुका है यहां पे।
और जोरा रीलीन करने के नाम पे ही नहीं है। और क्या किया हमने अभी ज्यादा से ज्यादा, उसके चेस्ट पर आई है 4 खरोचे। तो यार कैनन एमो हो चुका है खत्म। अपने पर क्या, नहीं 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 नहीं, क्लोज इनफ अगेन। तो यार जोरा ने अभी तोड़ दिया है ये बलिस्टा, लोग दंग हो चुके हैं। ओके कैनन रीलोडेड, करते हैं इसको फायर। यार इन लोगों से मुझे नफरत है, ये उड़ने वाले परिंदे। क्या कुछ और कैनन्स वगैरह रीलोडेड होंगे? शायद नहीं, तो इसको रीलोड कर लेते हैं। आलसी बिल्ला कुछ कर रहा है नहीं, बैठा हुआ है। बट एनी हाउ करीब आ रहा है धीरे धीरे, इससे पहले और करीब आया। हम लोग ऊपर की तरफ जाके देखते हैं। देखते हैं यहां पर हमारे लिए हिट करने को कुछ होगा कि नहीं। और यहां पर तुम देख सकते हो बाइंडर्स है हमारे पास, तो बाइंडर्स से मैं क्या कर सकता हूं ना, बाइंडर बेसिकली बड़ी रस्सियां है। तुम एक बार एक जगह से फायर करोगे, 4 जगह से और फायर होएंगी, यानी कि बाकी के जो हंटर्स जो तुम्हारे साथ है वो एक साथ फायर करेंगे बाइंडर्स को। यार देख सकते हो अपना जो बिल्ला है वो भी तीरंदाजी कर रहा है, कर चुके हैं रीलोड और करेंगे फायर। क्लोज कॉल, नाइस। तो यार कैनन यहां पर भी खत्म हो चुके हैं, आगे जाकर देखना पड़ेगा। या फिर हम यूज कर सकते हैं इसको, कुछ ज्यादा ही छोटे छोटे डैमेजेस है यार। देख सकते हो यार बहुत ज्यादा करीब आ चुका है ये मॉन्स्टर। ओके ओके कैनन रीलोड हो चुके हैं और मैं करूंगा इसको इस पे एम और करूंगा फायर। जैसे कि तुम देख सकते हो धीरे धीरे सारे एमओ वगैरह भी खत्म होने लगे हैं। नहीं 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 नहीं, बहुत क्लोज कॉल था वो, उसके एक हिट में। ओह नो, ये कैनन भी उसने कर दिया डिस्ट्रॉय। लास्ट कैनन बचा है और ये कैनन है लोडेड और मैं करता हूं फायर। बहुत अच्छे, okay.
जोरा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। थैंक्स बिल्ले। यार इसके वीक होते होते तुम्हारे सारे बलिस्टास वगैरह खत्म हो जाएंगे। रीलोड हो चुका है ये और कैनन्स हो चुके हैं खत्म और कोई रास्ता है नहीं। और शायद ये गेट टूटने वाला है यार। एक कैनन बचा है, लास्ट उम्मीद, कोई फायदा नहीं। देखते हैं दूसरी तरफ अगर कुछ होगा तो। शायद नहीं। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। पहला बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओके। हिचिंग पोस्ट। यार हिचिंग पोस्ट यहां पर देख नहीं रहा। ओके उस तरफ। नाइस। ओके ओके तो इसको कहते हैं हिचिंग पोस्ट। बहुत बढ़िया। अभी हम चढ़ चुके हैं ज़ोरा मैकडोरोस पे। तो ज़ोरा मैकडोरोस के वीक पॉइंट्स पर अटैक करना है तो मिनी मैप में देख सकते हो उसके वीक पॉइंट्स कहां पर है। जैसे कि ये है और ये है मैग्मा कोर्स और मैग्मा कोर्स ने हम पर कर दिया अटैक। जैसे ही अरे यार मैं दूर था बट एनी हाउ। पहला मैग्मा कोर हो चुका है खत्म। नेक्स्ट मैग्मा कोर। यार तो मिनी मैप में देख सकते हो कि नेक्स्ट मैग्मा कोर्स वगैरह अरे बाप रे कहां पर होंगे। और ये है नेक्स्ट मैग्मा कोर। बढ़िया शॉट लेकिन किस कोई फायदा नहीं। तीन रोल्स और दूर भागना पड़ेगा। बढ़िया। बुरा हाल था लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ पूल्स हमारे पास अभी भी मौजूद है तो हम उस पर खड़े हो जाएंगे। नाइस। ओके ज़ोरा मैकडोरोस के पार्ट्स वगैरह हमें मिल रहे हैं। ओह मैग्मा कोर गया बाहर में पहले और फार्म कर लेते हैं।
और जैसे कि तुम देख सकते हो आखिरी मैग्मा कोर जो है वो पीठ के कहीं के सेंटर पे है, तो मैं वही करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैग्मा कोर के ऊपर तक जाने के लिए। सिचुएशन काफ़ी इंटेंस हो रहा है दोस्तों, तुम देख सकते हो मेरा स्टैमिना भी धीरे धीरे कम होने लगा है, यानी कि मेरा हंगर मीटर बढ़ रहा है। ये सही नहीं हुआ। तो यार यही होता है अगर तुम्हारे ऊपर कोई स्टोन वगैरह गिरे तो तुम नीचे गिरने लगोगे। और मैग्मा कोर के दिखने का नाम है नहीं। ये है क्या? यही है ना? ये नहीं है। ओके, हमारे साथ दूसरी हैंडलर आ चुकी है। ओके नाइस। लेकिन मैग्मा कोर है किधर पे? दिखा रहा है एकदम टॉप पे, तो चलो यार वहीं चलते हैं। और टॉप पे जाना आसान नहीं है। ओके, तो ये जोरा का सर है यार, हम एकदम उसके सर तक पहुंच चुके हैं, तो आखिरी मैग्मा कोर है उसके सर पे। हेल्थ पूल्स बना लेते हैं। इसको डैमेज ही नहीं हो रहा यार, और होगा भी कैसे? ओके, मैग्मा कोर हो चुका है डिस्ट्रॉय। जल्दी से यहां से भाग लेते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या हम अटक गए? नहीं नहीं, मौका मिला, निकल लो। नाइस। यार आखिरी मैग्मा कोर दिखने को नहीं आ रहा। जबकि उसको यही कहीं होना चाहिए, जैसे कि मिनी मैप में दिखा रहा है। ओह ओके ओके। Find the magma core and destroy them. वही कोशिश कर रहा हूं। इस गेम के कैरेक्टर्स तुम्हें पॉइंट पॉइंट पे इंस्ट्रक्शंस देना बंद नहीं करते, लेकिन यार कभी कभी ऐसा लगता है कि बस चढ़ चुके हैं तुम्हारी तरफ, जबकि तुम कोशिश कर रहे हो मैग्मा कोर ढूंढने की, लेकिन मैग्मा कोर है नहीं। ओके ओके, तो शायद ये हो सकता है कि जब भी वो दो पैरों पे चलता है और जब भी वो चार पैरों पे चलता है, उस हिसाब से उसे उसके मैग्मा को उसके लोकेशन वगैरह चेंज होने लगती है। तो क्योंकि क्योंकि अभी उसने अभी वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो दो पैरों से चार पैरों पर आ चुका है, तो शायद हमें मैग्मा को इस बार मिल जाए। तो चढ़ना शुरू करते हैं। लग तो रहा है क्योंकि मैप थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। ओके, तो ये है लास्ट मैग्मा कोर। Thank you.
बहुत बुरा था वो. तीन रोल्स. ये तो और भी बुरा था. तो सबसे पहले तो मैं हेल्थ पूल बना लेता हूं यहां पे. किस्मत अच्छी थी दोस्तों कि बच गए अपन यहां पे. एक और हेल्थ पूल बना लेता हूं. बहुत सही. पोजीशन होल्ड करना है लेकिन यहां पोजीशन होल्ड कर नहीं सकते. शायद हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा. ये वीडियो धीरे धीरे काफी लंबी होती जा रही है. तो जैसे कि तुम्हें लग ही रहा होगा ज़ोरा मैगड्रोस काफी बड़ा फाइट है. बड़ा इन द सेंस बहुत बड़ा एनवायरमेंटल पजल है. तो पोजीशन होल्ड कहां करना है. शायद हमें वेट करना है कि वो क्या कहते हैं आगे के जो दीवार है जो दीवार हमने लगा रखी है वहां तक पहुंचे. और शायद उसके बाद हमें एस्कॉर्ट करने कोई ड्रैगन वगैरह आ जाए. तब तक हम कलेक्ट कर लेते इसके माइनिंग आउट कॉर्प्स. सरप्राइज अटैक. जैसे कि तुम देख सकते हो अभी करने के लिए कुछ है नहीं और स्टैमिना भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. तो यहां से निकालो मेरे को. मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म कर चुके हैं जो भी राइट साइड में लिखा हुआ है. अटैक टू वीकन ज़ोरा मैगड्रोस, हेड टू हिचिंग पोस्ट, डिस्ट्रॉय द मैग्मा कोर्स. ब्लैक फिगर. अच्छा वो क्या. ट्रैवलिंग वाया विंग ब्रेक. यार मुझे नहीं लगता हमारी अभी कैपेबिलिटी है इससे लड़ने के लिए. ओ नो 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 यार ये तो एक शॉट में मार रहा है मुझे. इससे लड़ू या भागू. और इसके शरीर के कांटे देखकर ऐसे लग रहे हैं कि ये वही मॉन्स्टर है जो हमें वाइल्ड स्पायर वेस्ट में मिला था. यार एक तो शार्पनेस को भी इसी टाइम पे खत्म होना था. बांकड़ बिल्ले ये तूने सही नहीं किया. I'm
तुझे बहुत मिस किया दोस्त, हेल्प मी आउट। ओके कट सीन टाइम, नाइस। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बुरा हिट। ओके तो ये है अपने फील्ड टीम लीडर के मास्टर। तो ये मॉन्स्टर खुद के पार्ट्स को रीजेनरेट कर सकता है। और इसके पूरे शरीर में वही कांटे भरे हुए हैं। आगे जोरा मैक्सडरोस को कैप्चर करने का मिशन तो अनसक्सेसफुल रहा। चौबीस मिनट का मिशन। मैंने कहा था ये एडवेंचर बहुत लंबा होने वाला है। Alright, gather around. Let's get council underway. First, your reports. Where do we stand right now? Since it breached the Great Ravine, we've lost track of it, sir. The situation has made it quite difficult for us. यार तुम लोग इतने बड़े मॉन्स्टर का ट्रैक लूज कैसे कर सकते हो? लेकिन एक और रीज़न है, ग्रेट रिवीन बेसिकली समंदर के पास है, तो जैसे कि गॉडज़िला किसी भी डिस्ट्रक्शन के बाद समंदर में फिर से घुस जाता है, ज़ोरा मैक्डोरोस भी वही करता होगा। Tectonic movement from when Zora passed through created a fissure in the Great Ravine. That fissure is our ticket to catching up with the beast. There's no point. We exhausted our supplies during the last operation. Even if we did track it down, there's no way we'd be able to pull off anything of that scale. Hmm. Then what should we do, Commander? We'll have to send a ship to the Guild. A ship? But with the skies and seas the way they are. It doesn't matter. We cannot proceed without notifying the Guild of the situation. We should send word and wait for their decision. Captain, can I count on you? Never you worry, sir. I've been watching the sea churn and waiting for my chance to tame her again. It seems that the fissure in the Great Ravine has not only given us a path, but an opportunity as well. Together, we're going to brave whatever lies on the other side and find Zora Magdaros's trail. Hunters! Head to the Great Ravine as soon as you're ready. May the Sapphire Star light your way. Dismissed. तो हमें मिला है नया स्पेशलाइज्ड टूल हेल्थ बूस्टर। Hey partner, let's go on an expedition out in the Great Ravine. I'll tag along. All right. तो यार आज के लिए बस इतना ही, आज के सफ़र के लिए इतना ही, और इसके साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा।
उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ यार वीडियो कैसी लगी और तुम कौन सा वेपन और ज़्यादा देखना चाहोगे, कौन से वेपन के मूव सेट्स वगैरह तुम्हें अच्छे लगे। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।